वही गुड न्यूज है, राहुल गोपी को धोखा नहीं दे रहा है। क्या? लेकिन आप तो कह रहे थे सागर जी कि आपने उन दोनों को किसी रेस्टोरेंट में छुपकर मिलते हुए देखा है। वही वो छुपकर सिर्फ उस लड़की से बातें करने के लिए मिलता था और कुछ नहीं। अच्छा तो क्या ये बात राहुल जीजा जी ने गोपी को बताई थी? ओ, नहीं। लो तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना सागर जी कि राहुल जीजा जी गोपी को धोखा दे रहे हैं। अब मही वो धोखा नहीं दे रहा है, मेरी उससे बात हो गई है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप सागर जी? अगर कोई शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी को बिना बताए किसी पराई लड़की से मिलता हो, उससे बातें करता हो, अपनी पर्सनल बातें करता हो, तो ये धोखेबाजी नहीं तो और क्या है? मही तुम्हारे कहने का मतलब ये है, अगर मान लो मैं किसी लड़की से मिलता हूँ, उससे बातें करता हूँ और अपनी मुलाकात के बारे में तुम्हें बताना भूल जाता हूँ, तो क्या ये धोखेबाजी हुई? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सागर जी मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि शादी जैसे पवित्र बंधन और उसकी जिम्मेदारियों को लेकर हम दोनों के विचार इतने अलग कैसे हो सकते हैं? अरे मही तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ राहुल बोल। क्या गोपी ने तुझे घर से निकाल दिया? सुना? हाँ हाँ सुना। अब काम ही ऐसा करोगे कि उसे घर से बाहर निकालना पड़े। सही किया। हाँ बोल। हाँ 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 ये सागर इतने गुस्से में रूम से बाहर क्यों निकला? हा? और तू इतने गुस्से में क्यों है? बात क्या है बोल ना। सासु माँ अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर कोई शादीशुदा आदमी अपनी बीवी को बिना बताए किसी पराए लड़की से छुप छुप कर मिलता हो और सिर्फ बातें करता हो, तो क्या वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है? क्या सागर किसी लड़की से छुप छुप कर मिलता है? ओहो, नहीं नहीं सासु माँ, मैं अपनी फ्रेंड और उसके पति की बात कर रही हूँ। कहीं वो सहेली तुम तो नहीं और उसका पति सागर? सुना मैं अपनी फ्रेंड गोपी और उसके पति राहुल जीजा जी की बात कर रही हूँ। क्या राहुल? राहुल तो कितना सीधा साधा लड़का है। सासु माँ सीधा होना और सीधा दिखना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, और मुझे ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि सागर जी राहुल जीजा जी की साइड ले रहे। बताओ भाई तुम नाराज भी नहीं हो और ये जो तुम महसूस कर रही हो ना वो गुस्सा भी नहीं। नहीं नहीं सासु माँ मैं बहुत नाराज हूँ और बहुत गुस्से में हूँ। नहीं मैं देख सच तो ये है कि राहुल और गोपी का रिश्ता तुम्हारे लिए एक आदर्श जोड़ा है, अब उनके रिश्ते में दरार देख कर तुम्हें अपने रिश्ते की फिक्र हो रही है ना, इसीलिए ये जो तुम महसूस कर रही हो ना वो गुस्सा नहीं डर। और हाँ सागर जैसा बेटा और सागर जैसा पति दोनों ही मिलना बहुत मुश्किल है। सागर की लेडी लव तुम ही हो और तुम ही रहो। चलो अब जल्दी से गोपी का घर बचाने के बारे में कुछ सोचते हैं। सोच नहीं कुछ सोच। तो क्या हुआ मही? मैं मॉडल हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ घूमे और मुझे धोखा दे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम गोपी, इस बात में मैं पूरी तरह से सहमत हूँ तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो गोपी। राहुल जीजा जी वेरी बैड, आपने क्यों धोखा दिया गोपी को? है कोई जवाब आपके पास? हाँ बोलिए, क्यों धोखा दे रहे थे मुझे बताइए। बोलो जवाब दो, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? वही तू तो जानती है ना पति पति का रिश्ता भरोसे का होता, प्यार का होता, और आज आज इन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है। बोलो जीजा जी को बोलो, राहुल के पास जाकर बोलो, जा बोलो, बोलो। जीजा जी को बोलो क्यों किया आपने आज ऐसा, क्यों धोखा दे रहे थे मुझे? या बाबू क्या कर रहे हो बोलो ना। सासु माँ ये राहुल जीजा जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। टाइम है टाइम है, है ना सात फेरे वाली बात आएगी ना तभी उसे बोलना है। अच्छा हाँ देखा आंटी जी अभी भी कोई जवाब नहीं है, बोलो। देखा पंकज जी अभी भी कुछ नहीं बोल रहे, अभी भी आपको उनके साथ रहना है, उस औरत के साथ रहना है, तो चले जाइए मुझे कोई जरूरत नहीं आपकी। हाँ गोपी बिल्कुल सही कह रही है राहुल। हाँ तुम एक भी शब्द नहीं बोल रहे, इसका मतलब यही है ना कि तुम दोषी हो। हाँ हाँ सात फेरे लिए है तुमने गोपी के साथ, याद है कि भूल गए? सात फेरे। अरे अब क्यों चुप हो राहुल, यही टाइम है माफी मांगने का। हाँ बताओ कि सात फेरे के वचन भी भूल गए? देखा आंटी जी कुछ याद नहीं इन्हें। सागर सात फेरे की बात पर राहुल को बोलना है ये तुमने उसे बताया था कि नहीं? वाह वो तो मैं भूल गया। अब क्या होगा?
वही होगा जो मंजूर गोपी होगा। मतलब आंटी जी, अगर इनको उसी के साथ रहना है तो मैं बीच में नहीं आऊंगी, मैं चली जाऊंगी। चली जाओगी तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी गोपी, बस थोड़ा सा भटक गया था और तुम भी अपनी दुनिया में बिजी हो गई थी। मैं अपनी जिंदगी की कई सारी बातें तुमसे शेयर करना चाह रहा था, पर तुम फिर एक सोशल साइट पर मुझे मेरी फ्रेंड मिली और हम सिर्फ दो चार बार मिले हैं और मैंने वही सारी बातें उसके साथ शेयर की हैं, बाकी कुछ नहीं है गोपी। मेरा यकीन मानो, मैं सॉरी कि मैंने आपका दिल दुखाया, मैंने बताए बिना मोनिका से मिला, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बस 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 बस, गोपी भी समझ गया और हम सब भी समझ गए। चुप थे तो ऐसे चुप थे और बोलना शुरू किया तो हम सबको रुलाने का इरादा है क्या? राहुल, मैं रोता भी ऐसे ही हुआ। सॉरी राहुल जी, लेकिन सच में आपका मोनिका जी के साथ कोई अफेयर नहीं है? ओफो गोपी, तेरी बिना अभी तक वही अटकी है क्या? नहीं, मेरा सिर्फ एक लड़की के साथ अफेयर है। किसके साथ? हमारे साथ पगली। <laughs>